नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने घर में रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोटा मोटा सेटअप जो है वो कैसे लगा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं हमारे, जो मैं इंटरफेस यूज़ करता हूं, तो उसके बारे में क्या क्या मैं यूज़ कर रहा हूं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक डेस्कटॉप या लैपटॉप। डेस्कटॉप अगर है तो मच बेटर है। दूसरा जो है, ये मेरे पास 4 चैनल का मिक्सर है जिसमें 4 चैनल इनपुट का दे रखा है और एक आउटपुट है। तीसरी चीज़ जो मेरे पास है वो बिगनर का ये इंटरफेस है। फोर्थ वन जो है मेरे पास है वो एक हेडफोन, वो कोई भी चलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कंडेंसर माइक। कंडेंसर माइक होना बहुत ज़रूरी है और इसमें हमारे आवाज़ की जो क्वालिटी है वो काफ़ी शार्प और अच्छी होती है। आप घर में किसी भी एक शांत, जहाँ बिल्कुल एकांत हो, वहाँ पर भी अपना सेटअप लगा सकते हैं। मेरे पास तो इसके लिए एक केबिन मैंने बना रखा है जहाँ पे बहुत पीसफुल रहता है और इजीली रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो दोस्तों, अपने कंप्यूटर में सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए होता है वो मेरे पास क्यूबेस 5 है। क्यूबेस 5 हम उसको ओपन कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है खुलने में। और हम न्यू प्रोजेक्ट पे इस पर क्लिक करेंगे जाके और डिफ़ॉल्ट पे ही ओके कर देंगे। एक फोल्डर हम सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमको अपनी ऑडियो जाके सेव करनी है। और दूसरी, अभी टाइम लाइन में हमने राइट क्लिक करके एक ऑडियो का अपना लेयर बनाई है, उसमें 2 लेयर बनाएंगे क्योंकि एक में हमारा कराओके ट्रैक रहेगा, दूसरे में जिसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो रिकॉर्डिंग की ट्रैक रहेगा। ये हमने अपना गाना सेलेक्ट किया है, जो कराओके ट्रैक है वो फर्स्ट वाली लेयर पे ऊपर रखेंगे। उसको मैंने ड्रैग करके वहाँ पे छोड़ दिया है लेफ़्ट क्लिक से पकड़ के। ये हमारा गाना इंपोर्ट हो रहा है क्यूबेस 5 में। सॉफ्टवेयर कई तरीके के आते हैं मार्केट में, तो मैं तो सिर्फ क्यूबेस 5 ही यूज़ कर रहा हूँ। ये हमारा गाना इंपोर्ट हो रहा है, ये हमारा गाना आ चुका है। और सेकंड लेयर पर ये ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे ही हमारा ऑडियो ट्रैक जो हम रिकॉर्ड करेंगे वहाँ पे हमारी ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड होगी जाके। अब हम आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ले जाते हैं, वहाँ पे हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वहाँ पे आपको दिखाते हैं। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। मैं पूरा गाना नहीं गाऊंगा, थोड़ा सा बस आप लोगों को दिखाने के लिए बनाना था, एक मुखड़ा हमने खाली रिकॉर्ड किया है, बाकी हम आपको एडिटिंग दिखाते हैं इसकी। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों मेरे ट्रैक्स तैयार हो चुके हैं, एक फर्स्ट ऑडियो वाले में जो कराओके ट्रैक है, सेकंड वाले में जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपना भी अभी एक बहुत छोटा सा मुखड़ा गाया है, उसका ये ट्रैक है। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब इस वजह से कीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑडियो आपको कैसे एडिट करना है, वो हम आपको लेसन 2 में बताएंगे। आज हमने खाली आपको इतना बताया कि मैं क्या इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ और क्या इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ।
अब ये एडिटिंग का है, आप इसमें आज ऐसे ही देखिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, मिट ना सकेगा। मिट ना सकेगा फसाना वादा रहा। सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। वादा रहा सनम होंगे जुदा न हम, चाहे न चाहे जमाना हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना, हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना। Hellcat.